आप देख रहे हैं दखल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में हर बार आपकी एक दुविधा को शांत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सभी की कामना होती है कि धन उनके घर में भरा रहे। धन के देवता कुबेर हैं, कुबेर को कैसे प्रसन्न करें, कुबेर कौन है और कुबेर धन के देवता कैसे बने, इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी हैं। पंडित जी, धन के देवता कुबेर हैं, कुबेर हैं कौन? बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा, और दखल न्यूज़ के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का नमस्कार। और मैं आज आपको बतलाना चाहूँगा कि आखिर कुबेर हैं कौन, कौन थे कुबेर। कुबेर के बारे में दो बहुत सुंदर सुंदर सी कथाएँ प्रचलित हैं। पहली कथा ये प्रचलित है, जैसा कि एक बहुत पुराना ग्रंथ है जिसको हम शतपथ ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण बहुत सारे ग्रंथ रहे हैं जिसमें ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण बहुत सारे हैं, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में कुबेर की एक बहुत सुंदर सी कथा आती है। माना जाता है कि वो एक ब्राह्मण के पुत्र थे, और उनके बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि वो चोर भी थे, चोरी किया करते थे। बचपन में उनको चोरी की लत लगी, और एक बार वो भगवान शिव के मंदिर में गए, वहाँ वो कुछ धन चुरा रहे थे, और धन चुराते समय जो वहाँ दीपक लगे होते हैं, उस दीपक के चलते उनकी एक आँख जो है चली गई, और वो एक आँख से परेशान हुए। उसके बाद उन लोगों ने जब उनको चोर बुलाना शुरू किया, तो उसके बाद उनके मन में ये भाव बैठा कि आखिरकार मैं चोर नहीं हूँ, मैं इस धन का अधिकारी बनूँगा। और उस धन के अधिकारी बनने के चलते उन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। ये तो एक पहली कथा आती है। दूसरी कथा इस बात को लेकर आती है कि वो रावण के सौतेले भाई थे, महर्षि विशर्वा के पुत्र थे और महर्षि पुलस्त के पौत्र थे। एक बार की बात है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके चार पोते हैं, उनमें से किसी को आप आगे बढ़ाइए। तो महर्षि पुलस्त ने कहा कि मेरा जो प्रथम पौत्र है, जिसको हम कुबेर के नाम से जानते हैं, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको काफ़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन चूँकि 10 दिक्पालों में शामिल करने की बात थी, तो कुबेर को जब 10 दिक्पालों में शामिल किया जाना था, चूँकि तप इतना ज़्यादा नहीं था, तो भगवान शिव की पूजा आराधना करने के लिए महर्षि पुलस्त ने कहा, महर्षि विश्वरूपा ने उनको मंत्र दिया। तो उन्होंने घोर जंगलों में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। ये उनकी दूसरी कथा है। तीसरी एक और कथा उनके बारे में आती है कि जब जंगल में वो तप करने गए, तो उस समय भगवान शिव जब कामदेव का वध कर रहे थे, उनका जो तीसरा नेत्र खुला, तो उस तीसरे नेत्र को खुलते समय जब भगवान शिव ने देखा, तो भगवान शिव की एक जो दृष्टि थी वो कुबेर पर पड़ी, जिसके चलते उनकी एक आँख गई। लेकिन उसी में एक और कथा आती है कि कुबेर ने माता पार्वती के रूप पे मोहित हो गए, और उन्होंने रूप पे जब वो मोहित हुए, तो उन्होंने माता पार्वती को बहुत ध्यान से देखा, तो माता पार्वती ने अपने नेत्रों की ज्योति से उनकी एक आंख को नष्ट कर दिया, जिसके चलते वो कुरूप हो गए। ऐसा माना जाता है कि उनके 7 हाथ हैं, 8 पैर हैं, और पेट बहुत मोटा सा है। ये कुरूपता का जो श्राप है वो माता पार्वती ने उनको दिया। लेकिन भगवान शिव चूँकि वो ब्राह्मण के पुत्र थे, महर्षि पुलस्त के पोते थे, इसलिए भगवान शिव ने उनको 10 दिक्पालों में धन का जो दिक्पाल होता है उसके होने की संज्ञा उनको दी, इसके चलते वो कुबेर बने, इसके चलते वो धनपाल की पदवी को लेकर आए। बहुत अजीब सा स्वरूप है उनका, एक आंख नहीं है, बहुत कुरूप सा चेहरा है, इसलिए उनको वो कुरूपता दी कि वो धन की रक्षा कर सके। अच्छा, धन की रक्षा करने वाले जितने भी लोग हैं उनको यक्ष कहा गया, जो कि धन का भोग नहीं करते, धन की हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा धन को अपने पास बनाए रखते हैं। तो महर्षि जो भगवान कुबेर थे, उन्होंने अपनी एक नई संस्कृति को आगे बढ़ाया, जिसको यक्ष संस्कृति कहते हैं, जो भोग की संस्कृति तो है परंतु पूरी तरह से भोगते नहीं हैं, उसको उसकी उसको संरक्षा में रखते हैं। दूसरा, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि वो रावण के भाई थे, रावण के सौतेले भाई थे, और रावण ने उनको तपस्या करते हुए देखा। दोनों ही अलग, एक जो रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण, तीनों भाइयों को
मृत्यु मिली और इनको धनपाल की पदवी मिली। धनपाल की पदवी मिली और इनको धनपाल की पदवी में पदवी के साथ साथ ये अमृत को इन्होंने प्राप्त किया। तो उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी, वो भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चूंकि ये यक्ष कहलाए, रावण ने इनको पूजा करते हुए देखा, भगवान शिव की साधना करते हुए देखा, तो रावण ने भगवान शिव की तपस्या की। लेकिन तपस्या करने से पहले चूंकि भगवान शिव अमृतों का वरदान नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की। तो तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों तपस्या करने गए। ब्रह्मा जी वहाँ खुश हुए, तो रावण ने अमृत का वर मांगा कि मुझको अमर बना दीजिए। तो रावण को उन्होंने अमृत का वर प्रदान किया, जिसके चलते पीयूष उनको दिया गया, जिसको अमृत कहा गया। अमृत का उन्होंने पान किया और उस अमृत को अपनी नाभि में रखा। चूँकि ये घटना केवल रावण के साथ घटी थी, लेकिन रावण ने अपने अहंकार के चलते अपने दोनों भाइयों को ये बताया कि मेरे को अमृत का वर ब्रह्मा ने दिया है और मेरे को ये वर भी दिया है कि मनुष्य और वानर मुझे नहीं मार सकते। तो ये दोनों चीज़ें रावण ने अपने दोनों भाई को बताई, और जिसके चलते विभीषण ने ये बात जब भगवान राम को बताई, तो उसके चलते रावण का विनाश हुआ। लेकिन आप देखिए कि कुबेर ने यक्ष संस्कृति को आगे बढ़ाया, वहीं रावण ने रक्ष संस्कृति को आगे बढ़ाया। रक्ष माने वो जाति जो कि सबकी रक्षा करती थी, चाहे उसमें ऋषि हो, मुनि हो या कोई भी क्यों ना हो, तो वो रक्ष संस्कृति का वाहक था। इसलिए उसके जो मानने वाले थे उनको हम राक्षस कहते हैं, और कुबेर के जो फॉलोअर्स थे, जो उसके संस्कृति को मानने वाले थे, उनको यक्ष कहा जाता था। दोनों के बीच में कई बार बहुत झगड़े भी हुए। बात आती है कुबेर को लेके, क्योंकि कुबेर को अमृतत्व में जो अमृत कुंड में से जो उनको अमृत पिलाया गया, वो भगवान श्री हरि के द्वारा पिलाया गया। जब अमृत मंथन में लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई बहुत सारे रत्न लेकर, लेकिन अपने साथ जो है जिनको हम कहते हैं धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के देवता हैं, वो अपने साथ अमृत कलश लेकर पैदा हुए। तो भगवान श्री हरि ने सारे देवताओं में से अमृत जो है वो पिलाने का काम इंद्र के बाद यदि किसी को किया था तो वो कुबेर थे, जिनको उन्होंने अमृत पान कराया गया, जिसके चलते कुबेर जो है वो धन के हमेशा से देवता माने गए। चूँकि कुबेर को जो अमृत पिलाया गया वो अमृत समुद्र से निकला था, चूँकि वो धन के देवता थे। और लक्ष्मी जी को जो धन का वैभव और पद विलासिता देने वाली माता पार्वती थी, जो राजराजेश्वरी त्रिपुसुंदरी के रूप में प्रकट हुई थी, जिनको श्री विद्या भी कहा जाता था, उन्होंने लक्ष्मी को श्री होने का वरदान प्रदान किया था। इसलिए लक्ष्मी धन की देवी कहलाई, और धन के दोनों देवताओं के स्वरूप में हम आज जो है लक्ष्मी और कुबेर की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये कुबेर और लक्ष्मी का वृतांत है, और जो भी उनकी पूजा करता है साथ में ही दोनों की पूजा होती है। तो लक्ष्मी और कुबेर की पूजा इस प्रकार से, कुबेर की पूजा ये धन त्रयोदशी पे की जाती है, विशेष महत्व रहता है धन त्रयोदशी पे कुबेर की पूजन करना। तो किस तरह से त्रयोदशी पे पूजा की जाए और त्रयोदशी पे ही क्यों विशेष माना गया? देखिए, ऐसा माना जाता है कि चूंकि तीन दिवस के पास, त्रयोदशी, चतुर्दशी और फिर आती है अमावस्या, यानी अमावस्या, अमावस्या को लक्ष्मी का जन्म हुआ था, और त्रयोदशी पर माना जाता है कि कुबेर का जन्म हुआ था, कुबेर का जन्म दिवस माना जाता है। एक दूसरी कहानी ये भी आती है कि त्रयोदशी के दिन उनको दिक्पाल होने की संज्ञा भी प्रदान की गई थी, माने धन के वो देवता बने थे, इसलिए कुबेर की पूजा जो है वो त्रयोदशी को करना माना जाता है। तो चूँकि दोनों धन के देवता हैं, तो इस प्रकार से दोनों की पूजा त्रयोदशी को होती है, लेकिन सबसे पहली पूजा कुबेर की ही की जाती है। कुबेर को पसंद क्या है, कुबेर की कुरूपता समझ में आई, कुबेर ने क्या किया था, उनकी कथाएं आपने हमको बताई, कुबेर को पसंद क्या है? देखिए, कुबेर चूंकि ब्राह्मण के पुत्र थे, तो जो एक ब्राह्मण को पसंद होता है, यानी मिष्ठान उनको बहुत पसंद है। कुबेर का पेट बहुत मोटा सा, एक अजीब सा पेट उनका दिखाई देता है। जब भी आप कुबेर का चित्र देखेंगे तो एक चौड़ा सा मुँह है, आँख उनकी भींची हुई है, पेट मोटा है, तो मिठाई उनको बहुत पसंद है, और ख़ास तौर से उनको लाल रंग बहुत पसंद है। एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुबेर जो है, जो हमारे यहाँ धन की जो दिशा मानी जाती है वो पश्चिम दिशा होती है। माने आप इस बात को मानिए कि सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम दिशा की तरफ डूबता है, तो कुबेर की दिशा पश्चिम है, माने सूर्य हमेशा कुबेर के पास में ही होता है। तो यदि आपको कुबेर को पसंद है तो आपको उसमें कहीं ना कहीं सूर्य को जो पसंद है उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए
कि सूर्य को लाल चीज़ें बहुत पसंद है, ठीक उसी प्रकार से कुबेर को लाल रंग की वस्तुएं बहुत पसंद है। लाल उनका रंग भी लाल है, माने जो लाल रंग का वस्त्र होता है वो लाल रंग का वस्त्र ओढ़े रहते हैं। लाल रंग के पुष्प उनको बहुत पसंद है, सुगंध उनको बहुत पसंद है, सुगंध के भी देवता कहे जाते हैं। जिनको कुबेर को प्रसन्न करना है वो थोड़ी सी सुगंध जो है कुबेर को अवश्य चढ़ाएं, मुझे लगता है कि कुबेर उससे भी बहुत पसंद होते हैं। लाल रंग की मिठाई उनको बहुत पसंद है, लाल रंग की जो सबसे अच्छी मिठाई होती है वो इमरती होती है, जो कि उड़द की दाल की बनाई जाती है, और यदि आप इमरती का भोग कुबेर को लगाएं बहुत पसंद होते हैं। रेशमी वस्त्र उनको बहुत पसंद है। लाल रंग के गुलाब के जो सुगंधित पुष्प होते हैं, हमेशा कुबेर की पूजा में लाल रंग के गुलाब के पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसीलिए देखते होंगे कि हमेशा त्रयोदशी के आसपास गुलाब भरपूर मात्रा में आता है, लेकिन आजकल तो बारहमासी आता है। तो कुबेर की पूजा में लाल की पूजन हो गई कुबेर को, लेकिन किसी भी देवता की पूजा से पहले एक मंत्र, कोई भी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे मन में आता है कि हम कौन सा मंत्र ऐसा जाप करें कि बस प्रसन्न हो जाए देवता, तो कुबेर के मंत्र क्या? देखिए कुबेर के जो मंत्र हैं उसमें दो मंत्र हमेशा लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र में हम दो मंत्रों का प्रयोग करते हैं, ह्रीम और क्रीम। क्रीम हा रा मा, मैंने आप उसको ऐसे इंग्लिश में मैं बताता हूँ, HREEM ह्रीम, रा उसमें रेचक लगता है, ऐसे ही आता है क्रीम KREEM क्रीम, का में एक रा का रेचक लगता है, तो हा और क्रा ये उनके बीज मंत्र हैं। ओम ह्रीम क्रीम यक्षाय नमः, ये एक बहुत साधारण सा मंत्र है जो उनकी पूजा में इस्तेमाल होता है। एक और मंत्र है, ओम ह्रीम क्रीम क्लीम, क्लीम माने चामुंडा, ये श्री विद्या में हमेशा इस्तेमाल होता है। ओम ह्रीम क्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः, उनका एक और नाम वित्तेश्वर भी है, तो वो भी एक बहुत सुंदर सा मंत्र है। और एक और बड़ा भारी मंत्र है जो अमूमन लक्ष्मी के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है, वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम यक्षाय कुबेराय अष्टलक्ष्मी पूरे मम ग्रहे धन पूरे पूरे नमः। तो इस मंत्र में लक्ष्मी भी कुबेर के साथ आ जाती हैं, तो इस मंत्र का आप जितने बार जाप करेंगे उतना ही आपको हमेशा लाभ होगा, और कुबेर को प्रसन्न करने में, कुबेर के साथ जब भी आपको प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी को उनके साथ में आप लें और उसके साथ आप पूजा करें तो हमेशा लाभ होगा। पंडित जी एक चीज़ और, सभी चाहते हैं कि उनकी तिजोरी में कुबेर का वास परमानेंट बना रहे, तो कुबेर का वास तिजोरी में कैसे? देखिए उसके लिए चाहिए कि हम कुबेर यंत्र की स्थापना अपनी तिजोरी में करें। कैसे करें? देखिए कुबेर का यंत्र ले लीजिए, कुबेर का यंत्र कैसे बनाया जाता है आप उसको देख सकते हैं, उसकी बनाने की अपनी एक विधि है। उसको आप क्या करें, जो हमारे यहाँ हमेशा पूजा में, आप चाहें तो उसको कागज पर बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको पत्र पर बनाया जा सकता है। पत्र कौन सा? भोजपत्र का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। भोजपत्र का तात्पर्य होता है कि एक वृक्ष की वो छाल होती है जिसको उस जमाने में प्राचीन काल में हम बनाया करते थे। अनार की कलम हम ले लें और अष्टगंध स्याही के रूप में लें और उससे हम कुबेर यंत्र को बना लें। कुबेर यंत्र को बनाने के उपरांत एक लकड़ी के पटे के ऊपर लाल रेशमी वस्त्र बिछा लें और उस पर उस कुबेर यंत्र को स्थापित करें। अब उसकी हमको पूजा करनी है। कैसे पूजा करें? पंचोपचार से। यंत्र के ऊपर हमको कुछ नहीं डालना है लेकिन पंचोपचार से पूजा करनी है। कैसे? दूध दही घी शहद और शक्कर, हम पहले जल को यंत्र के ऊपर चारों ओर से घुमाकर एक कटोरी में सब चीज़ें डालते जाएँ। पहले जल डाल लें, फिर दही डाल लें, फिर दूध डाल लें, फिर घी डाल लें, फिर शहद और शक्कर डाल लें, फिर तदुपरांत एक बार पुनः जल से शुद्धोदक स्नान करा लें। इसके बाद अब यंत्र की पूजा करनी है तो उस पर थोड़े से अक्षर चढ़ा लें। अक्षर चढ़ाने के बाद उस पर जो है कम से कम 5 पुष्प गाय के, गुलाब के 5 पुष्प आप चढ़ा दीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र या गंध चढ़ाएं, चूँकि कुबेर को इत्र या गंध बहुत पसंद है। और उसके उपरांत हम आरती करें, कुबेर देवता की आरती कर लें या लक्ष्मी जी की आरती कर लें, और उसके बाद उस यंत्र को उसमें हम जो लाल वस्त्र के ऊपर रखा है उसके ऊपर से उठाकर उसको हम अपनी तिजोरी में स्थापित कर दें और हम रोज़ अगरबत्ती से उसकी आरती करें
धूप गंध से आरती करें और उसको भोग लगाएं। चूंकि उनको लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना है तो एक इमरती आप रोज लाके उनको भोग लगाएं। ओम वित्तेश्वराय नमः, ओम यक्षाय नमः, ओम कुबेराय नमः। तो आप इस प्रकार से 3 बार जो है भोग लगाएं, प्रणाम करें और प्रभु से कहें कि हमारे घर में किसी भी स्वरूप में धन की कमी नहीं होना चाहिए। तो ये तो आपने भोजपत्र पे बनाना बताया, अगर किसी के लिए संभव ना हो कि वो भोजपत्र लाके और पूरे विधान से यंत्र बना के कर सके, तो क्या बाजार में जो यंत्र मिलते हैं वो भी आप उन यंत्रों की भी पूजा कर सकते हैं? ये तो मैंने आपको बताया कि एक बड़ी विधि है, लेकिन आप चाहें तो कुबेर यंत्र को घर में लाएं और इसी तरह से स्थापित कर लें और उसको कोशिश करें कि हम प्लास्टिक का कुछ किसी भी तरह से उसको जड़वा लें ताकि उसका जो प्रकार है उस पर किसी भी रूप में असर नहीं हो, कभी ख़राब ना हो, क्योंकि हमको वर्षों तक उसको रखना है। यंत्र की पूजा जितने बार होगी, मंत्र शक्ति से उसको जितने बार आप जागृत करेंगे, उसके सामने जितने बार हवन होगा, तो वो अपने आप बहुत बढ़िया तरीके से ना केवल जागृत होगा अपितु जीवन भर आपको धन संपदा मिलती रहेगी। और जिस तिजोरी में आपने उसको रखा वहाँ उस तिजोरी में कभी भी पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी। आप बता रहे थे कि कुबेर को वित्तेश्वर भी कहा जाता है, मतलब अकाउंटेंट, लक्ष्मी जी के अकाउंटेंट कुबेर जी हैं। बिल्कुल, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है साथ साथ आपको कुबेर को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर अकाउंटेंट के तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। पंडित जी से चर्चा यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल समय अल्प विराम का है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। विराम के बाद आपका स्वागत है और पंडित जी से हम लगातार कुबेर के विषय में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तिजोरी में कुबेर का वास कैसे हो, बात कर रहे हैं कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें तो साथ हमें कुबेर को किस तरह से प्रसन्न करें कि बस इस दिवाली पे लक्ष्मी जी धनधना के सिर्फ छप्पर फाड़ के कहते हैं लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाएं, तो वैसा ही आपके घर पे भी हो। लक्ष्मी जी धन की देवी कही गई, कुबेर धन के देवता कहे गए, जैसा कि अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, लक्ष्मी जी के अकाउंटेंट कुबेर जी हैं और 12 राशियों पर क्या असर रहेगा, कैसे किस राशि वाले को कुबेर का पूजन करना चाहिए, कुबेर के साथ लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करें, सबसे पहले अपन मेष राशि की बात करें। बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ मेष राशि यानी मंगल के स्वामित्व की राशि। और मेष राशि वो राशि है जो कुबेर को कहीं ना कहीं बहुत पसंद है, आप देखेंगे कि लाल रंग कुबेर से जुड़ा हुआ है। तो मेष राशि वाले जातक ऐसा क्या करें जिससे कुबेर उनसे बहुत प्रसन्न हो जाए, तो आज के दिन यदि आप भगवान कुबेर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप लाल रंग की अधिकता लें, अर्थात सिंदूर से भगवान कुबेर की यदि आपके पास कोई प्रतिमा हो या उनका यंत्र हो या तेल चित्र हो तो आप पंचोपचार से उनकी पूजा करें। लेकिन आप क्या करें, सबसे पहले भगवान कुबेर को लाल रंग का सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि उनको सिंदूर भी बहुत पसंद है। ऐसा माना जाता है कि उनको राहत देने के लिए सिंदूर चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हुई, हालांकि ये प्रचलित नहीं है, क्योंकि कुबेर की पूजा आमतौर पर की नहीं जाती, बहुत कम लोग कुबेर की पूजा के बारे में जानते हैं। लेकिन आप कुबेर को यदि सिंदूर चढ़ाएंगे जो मेष राशि के जातक हैं तो भगवान कुबेर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। लेकिन पूजा के साथ साथ भगवान कुबेर को आप लाल रंग के पुष्प अवश्य चढ़ाइए, जो पुष्प आपको बहुत सहज रूप से प्राप्त होते हों, जिनमें गुलाब का पुष्प है, गुड़हल का पुष्प है, तो जो लाल रंग का कमल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो कुबेर को प्रसन्न करने के लिए मेष राशि वाले जातकों को सिंदूर और पुष्प चढ़ाना बेहद आवश्यक है। वृषभ राशि वाले क्या करें कि कुबेर प्रसन्न हो जाए? देखिए, वृषभ राशि वाले जातक, ऐसा माना जाता है कि कुबेर लक्ष्मी के साथ कुबेर को, चूँकि ऐरावत हाथी और समुद्र से निकली हुई चीज़ें कुबेर और लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो मैं आपको बताऊं कि लक्ष्मी कारक जो कोड़ियां होती हैं वो यदि आज आप कुबेर की पूजा में कहीं रख लें और लक्ष्मी कारक कोड़ियों की यदि हम पूजा अर्चना करें विधि पूर्वक, तो मुझे लगता है कुबेर उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कोड़ियों से न केवल माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं अपितु कोड़ियों से भगवान कुबेर भी आकर्षित होते हैं। तो क्या करें, पंचोपचार से कोड़ियों की पूजा कर लें, अर्थात दूध दही घी शहद और शक्कर। कोड़ी चूँकि समुद्र से निकलती तो किसी भी रूप में उसका क्षय नहीं होता,
तो आप लक्ष्मी कारक कोड़ियों को आप पंचोपचार से पूजा करें, फिर उसके बाद एक बार पुनः शुद्धोदक स्नान कराकर कम से कम 5 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ, क्योंकि उनको उनकी संख्या निर्धारित है 5, 7, 9, 11, इस संख्या में आप लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ रखें और भगवान कुबेर के पास उनको आप रखें, तो लक्ष्मी कारक कोड़ियों की पूजा अर्चना करने से भगवान कुबेर अवश्य प्रसन्न होते हैं। पंडित जी, मिथुन राशि वाले इस वक्त थोड़ा सा परेशान भी चल रहे हैं और उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमारी राशि में क्या किया जाए। बिल्कुल, इस समय मिथुन राशि कहीं ना कहीं राहु से बहुत परेशान है और धन की कमी मिथुन राशि वाले जातकों पर सबसे ज़्यादा है, तो क्या करें, कैसे कुबेर की पूजा करें? तो देखिए, आपको पूजा में क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया कि लाल रंग की चीज़ें बहुत पसंद है, तो मेष और वृषभ में जो आपने चीज़ें ली, आप इनके साथ साथ एक पान जरूर लीजिए, क्योंकि कुबेर को पान का भोग लगाया जाता है। पान कैसे लें, मीठा पान, जो आपको हरे रंग का बढ़िया पान मिले उसमें बढ़िया इलायची, लौंग और सुगंधित चीज़ें डालकर वो रखें। तो पहले तो कुबेर की पूजा में हम लाल पुष्प का इस्तेमाल कर लें, फिर लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ उनके सामने रख दें और उसके उपरांत हम एक बहुत सुंदर सा पान का बीड़ा उनके सामने रख दें और उसके बाद कुबेर की हम आरती करें और कुबेर का बहुत सुंदर सा मंत्र है जो खास तौर से मिथुन राशि वाले जातकों को हमेशा करना चाहिए, वो मंत्र है ओम ह्रीम क्रीम यक्षाय नमः। तो ये जो मंत्र है, जो उनका बीज मंत्र है, इस मंत्र का यदि मिथुन राशि वाले जाप करेंगे तो न केवल उनको राहु के कोप से मुक्ति मिलेगी अपितु उनको कहीं ना कहीं धन संबंधी जो परेशानी है उससे भी निजात अवश्य मिलेगी। पंडित जी, बात कर्क राशि। बिल्कुल, कर्क राशि पे आते हैं, तो कर्क राशि वाले जातकों को यदि कुबेर को प्रसन्न करना है तो उनको शंख की एक शंख आता है बहुत सुंदर सा, जो लक्ष्मी को बहुत पसंद है, जिसको हम दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। तो दक्षिणावर्ती शंख से आज भगवान कुबेर की जो आपके पास प्रतिमा है या विग्रह है, तो आज दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल डालें या समुद्र का जल लेकर आएँ। समुद्र का जल खारा होता है, यदि आपके पास साधारण जल है उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और उस जल से आप पूजा करें कुबेर की, और कुबेर की पूजा अर्चना करने के उपरांत तो उनको आप दूध दही घी शहद और शक्कर यानी पंचोपचार से उनकी पूजा कर लें और उस दक्षिणावर्ती शंख को में जल भरकर उनके सम्मुख रख दें, तो कर्क राशि वाले जातकों से भगवान कुबेर अवश्य प्रसन्न। पंडित जी, यहाँ एक सवाल निकल के आता है, पूछे, आपने समुद्र का जल या फिर जल में साधारण जल में नमक खारा ही जल क्यों? देखिए, लक्ष्मी जो निकली है वो समुद्र से निकली है, उनका स्वभाव इस प्रकार से होता है कि आप उनको अपने पास नहीं रख सकते। खारे जल में कोई स्नान नहीं करता, खारे जल को कोई पीता नहीं है। खारे जल की सबसे बड़ी विशेषता होती है, यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, आप अपने घर में पॉजिटिविटी लाना चाहती हैं, तो आप खारे जल से अपने घर में पोंछा लगा दीजिए, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, दीवार को साफ कर दीजिए। तो खारे नमक में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सारे विषाणुओं को मार देता है, वैसे ही हमारे जीवन में आ रही विषलताएँ गरलताएँ जो हैं उन सबको मारने में समुद्र के पानी की सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो आप अपने जीवन में यदि धन पाना चाहते हैं, अपने ग्रहों से निजात पाना चाहते हैं, तो आप उस समुद्र के जल से पूजा अर्चना कर लीजिए, आपको एकदम लाभ मिलेगा। पंडित जी, बात सिंह राशि। बहुत सुंदर राशि है सिंह राशि, और देखिए सिंह राशि, जैसा मैंने कहा, सूर्य चूँकि पश्चिम दिशा में डूबते हैं और पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, पश्चिम दिशा कुबेर की होती है और उनके बिल्कुल ठीक सामने से सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, और सूर्य भगवान की पूजा में शहद की हमेशा कमी होती है, तो आप शहद छोड़ के पंचोपचार से जब भी पूजा अर्चना करें भगवान कुबेर की, तो आप उसमें शहद का इस्तेमाल ना करें, खासतौर से सिंह राशि वाले जातक, लेकिन उनको लाल पुष्प का इस्तेमाल करना चाहिए और लाल चंदन यदि आपके पास है तो भगवान कुबेर को आप लाल चंदन थोड़ा सा जल में मिला लें और उससे स्नान कराएं। नहीं है कोई बात नहीं, उनकी आपके पास फोटो है, उसके चारों तरफ आप 3 बार स्नान कराएं, फिर शुद्धोदक स्नान से आप कुबेर की पूजा अर्चना कर लें, तो भगवान कुबेर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। साथ में लाल मिठाई, जो इमरती जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, या और भी कोई लाल मिठाई जो आपको बाजार में सहज रूप में प्राप्त हो जाए, तो आप उसका भोग लगा दीजिए। तो सिंह राशि वाले जातकों को कुबेर की पूजा के साथ साथ भगवान सूर्य की भी पूजा अर्चना करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पूजा से भगवान कुबेर अवश्य प्रसन्न होते हैं। तो आप आज दोनों की पूजा करें, जो आपका आराध्य है, आराध्य ग्रह है, उसकी पूजा अर्चना करने से आपको एकदम लाभ मिलेगा।
पंडित जी, कन्या राशि वाले क्या करें? बहुत सुंदर राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि वाले जातक भी शनि के अशुभ ढैया से बड़े परेशान, बहुत परेशान है। तो आज क्या करें जिससे कुबेर प्रसन्न हो? देखिए, सूर्य के पुत्र हैं शनि, और शनि कहीं ना कहीं दंडाधिकारी हैं, तो कुबेर की पूजा में आज आपको खासतौर से क्या करना है, हरे रंग की चीज़ों का समावेश करना है। आज आप कुबेर को थोड़ी सी दूर्वा चढ़ा दीजिए, कुबेर को भी दूर्वा बहुत पसंद है। हालांकि कई जगह दूर्वा ना चढ़ाने की बात आती है, परंतु मैंने स्वयं अनुभव किया है कि दूर्वा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा अंकुरान जो है वो बहुत शुभ माना जाता है पूजा पाठ में, इसलिए उसको हमेशा लिया जाता है। और पान के साथ इलायची और लवंग का आप इस्तेमाल करें, आप चाहें तो लवंग की धुनी से भी आप कुबेर की आरती कर सकते हैं। अर्थात आप एक दीपक में 4 या 5 लवंग जला लीजिए और उसके धुएं से आप आरती करिए, लवंग आरती भी कहा जाता है उसको। हालांकि तंत्र पूजा में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो अशुभ ग्रहों के दोष हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको निजात मिले। तुला राशि वाले क्या करें? बहुत सुंदर, तुला राशि वाले आज श्वेत कमल से पूजा करें। श्वेत कमल जो लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो आप श्वेत कमल से पूजा करें। आज के दिन आपको श्वेत रंग की चीज़ें, खास तौर से गोमती चक्र आता है जो कि गोमती नदी से निकलता है, तो जिस प्रकार से लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ कुबेर को पसंद है, उसी प्रकार से गोमती चक्र भी बहुत पसंद है। तो आप 5, 7, 9 या 11 गोमती चक्र ले लें और उनको पानी कटोरी में भरकर रखें और भगवान कुबेर के सम्मुख रखें। जब आप कुबेर की पूजा अर्चना करें तब आप गोमती चक्र भी उनके सम्मुख रखेंगे तो भगवान आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, शनि उतर रहा है लेकिन वृश्चिक राशि वाले अभी भी धन संपदा को लेकर बेहद परेशान है। जैसे मेष राशि में हमने पूजा की, अर्थात लाल रंग के सिंदूर का हमने इस्तेमाल किया, लाल रंग के पुष्प का हमने इस्तेमाल किया, हमने कमल का एक जो पुष्प आता है जो कि थोड़ा सा जामुनी या पिंक रंग का होता है, तो आज आप उस कमल के पुष्प को कुबेर को अवश्य चढ़ाएँ तो भगवान कुबेर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आप उनके निमित्त केवल ह्रीम जो उनका बीज मंत्र है उसका आप 108 बार कम से कम आप जाप करें और भगवान आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। धनु राशि क्या करें? बिल्कुल, धनु राशि वाले जातकों को एक बहुत सुंदर सा उपाय बता रहा हूँ, एकाक्षी नारियल। नारियल एकाक्षी एक बहुत छोटा सा नारियल होता है जो कि अमूमन लक्ष्मी जी और कुबेर को प्रसन्न करने के काम आता है। तो आज आपको एक पोटली बनाना पड़ेगी जिसको हम लक्ष्मी कारक पोटली कहते हैं। कैसे बनाएं? लाल रेशमी वस्त्र ले लें, उसमें 5 लक्ष्मी कारक कोड़ियाँ डाल लें, 5 गोमती चक्र उसमें डाल लें, 1 एकाक्षी नारियल डाल लें और 5 लाल गुलाब के पुष्प डाल लें और इसको पोटली को आप बनाएं और अपने पूजा के स्थान में रख लें। उसके बाद जो मंत्र है भगवान कुबेर का, ओम यक्षाय नमः, बहुत साधारण मंत्र, कोई भी इस मंत्र का जाप कर सकता है, तो इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। भगवान कुबेर के सम्मुख रखें, प्रणाम करें और इस लक्ष्मी कारक पोटली को आप अपने तिजोरी में रख लें। इस पोटली को कोई भी राशि वाला बना सकता है, परंतु धनु राशि वाले जातकों को इस समय धन की आवश्यकता है तो उनके लिए विशेषकर इस पोटली का महत्व ज़्यादा है, तो बनाएं और पूजा करें। मकर राशि के जातक क्या करें? मकर राशि के जातक बहुत अद्भुत, इस समय मकर राशि शनि के अशुभ प्रभाव में चल रही है तो और बहुत ज़्यादा मकर राशि वाले जातक बेहद परेशान बने हुए हैं। तो क्या करें मकर राशि वाले जातक? मकर राशि वाले जातक प्रसन्न करने के लिए कुबेर को जो सबसे ज़्यादा एक और चीज पसंद है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो था नारियल, एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल के साथ एक बड़ा नारियल आप अवश्य ले लें, खास तौर से 5 नारियल जो कि हमको बाज़ार में मिलते हैं जिनको हम श्रीफल भी कहते हैं। एकाक्षी नारियल और श्रीफल दोनों में बहुत फ़र्क है, बड़ा होता है, तो आप 5 बड़े नारियल ले लीजिए और एक छोटा सा एकाक्षी नारियल ले लीजिए और थोड़ी सी उड़द ले लीजिए। उड़द का जो आप उसको पहले बड़ा जिसको कहते हैं ना, बड़ा बनाया जाता है दही बड़े के स्वरूप में, तो दही बड़ा बनवा लीजिए, कम से कम 5 दही बड़े आज आप बनवा लीजिए। 5 आपके पास नारियल हैं और 1 एकाक्षी नारियल है, तो आप दही बड़े का आज भोग लगाइए और उन 5 नारियल को आप अपने शहर की 5 अलग अलग दिशाओं में ले जाकर जहाँ पर भी आपको बरगद या पीपल का पेड़ मिले उसमें आप थोड़ा सा गहरा गड्ढा कर दीजिए और वहाँ पे आप उस वृक्ष के नीचे दबा दीजिए और 1 नारियल, चूँकि 4 दिशाओं में हो गया, 1 शहर का जो मध्य भाग है
वहाँ जो पीपल या बरगद का पेड़ मिले वहाँ पर आप गहरा गड्ढा करके गड़ा दीजिए, और वो जो एकाक्षी नारियल है वो आप पूजा में रख दीजिए, बड़े का भोग लगा दीजिए, और भगवान कुबेर का जो मैंने मंत्र आपको बताया था उस मंत्र का जाप करिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपके ऊपर से शनि, राहु और ख़ास तौर से जो लक्ष्मी की कहीं ना कहीं कमी आ रही है, उस कमी से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। कुंभ राशि वाले को इंतज़ार बहुत करना पड़ जाता है, कुंभ राशि वाले क्या करें? बिल्कुल, देखिए कुंभ राशि वाले जातक तो इस समय बहुत प्रसन्न है, ना शनि की साढ़े साती है, ना राहु है, ना केतु है, हर चीज़ बहुत आसानी से मिल रही है। तो उनको केवल भगवान कुबेर के आज विग्रह को अपने घर में स्थापित करें, लाल पटे पर रेशमी रुमाल के साथ भगवान की पंचोपचार से पूजा करें, लाल पुष्प चढ़ाएँ। कुबेर उनको क्या ऐसा विशेष करना चाहिए जिससे आपकी राशि वाले प्रसन्न हो? आपने देखा होगा कि अकौवा का एक नीला पुष्प आता है जो अमूमन मिल जाता है, तो उस अकौवे का जो नीला पुष्प है वैसे 5 नीले पुष्प ले लें। और भगवान शिव का एक मंत्र है जो कि श्री विद्या साधना में अमूमन इस्तेमाल होता है, उस मंत्र का 108 बार जाप करें, और उस मंत्र से वो जो अकाव के या मदार के पुष्प जिनको हम कहते हैं उनको आप कुबेर के सम्मुख रखें। मंत्र के इस प्रकार से है, ओम क्लीम नमः शिवाय, ये सुंदर सा मंत्र है, ओम क्लीम नमः शिवाय। तो इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार उन पुष्पों पर जाप करें और उन पुष्पों को भगवान के सम्मुख रखें, और बाद में आप चाहें तो एक पोटली में बनाकर आप अपने पूजा स्थान में या जहां पर आपका धन रखा रहता हो वहां पर आप उसको समाहित करके रखेंगे, तो मुझे लगता है कि भगवान कुबेर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। आखिरी राशि बची है पंडित जी, मीन राशि। बिल्कुल, मीन राशि वाले जातक, मीन राशि वाले जातकों के लिए बड़ा शुभ समय आ रहा है, क्योंकि नवंबर माह से गुरु का प्रवेश आपकी राशि से एकादश भाव में होने जा रहा है। तो गुरु आपको धन तो देगा ही देगा, अब आपको क्या करना है, आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है, आपको पीले एक बहुत सुंदर सा पुष्प आता है, मैं उसका नाम एक मिनट में नाम याद आएगा, तो आप कमल का पुष्प ले लें, चाहे श्वेत कमल ले लें या नीला कमल ले लें, तो आप उस कमल के पुष्प को भगवान कुबेर को आप अवश्य चढ़ाइए और पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाइए। पीला रंग भी कुबेर को बहुत पसंद है, पीले रंग यानी केसर से बनी हुई मिठाइयों का आप भोग लगा सकते हैं, केसर का प्रयोग आप कुबेर की पूजा अर्चना में कर सकते हैं, और उनका जो महामंत्र है मैंने आपको बताया, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम क्रीम यक्षाय कुबेराय नमः, तो आप इस मंत्र का जाप करके भी भगवान कुबेर को आप प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान कुबेर आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। पंडित जी, ये तो अपन ने 12 राशियों के बारे में बात की, लोगों के मन में एक दुविधा रहती है कि तिजोरी का मुख किस तरफ हो, अपनी जिस अलमारी में धन रखते हैं उसका मुँह किस तरफ हो, और दरवाज़ा खोले तो किस तरफ खुले, थोड़ी दुविधा लोगों के मन में रहती है जिससे कुबेर का वास हमेशा बना रहे। देखिए, कुबेर की दिशा पश्चिम की दिशा होती है, तो उसका जो दरवाज़ा खुलना चाहिए वो पश्चिम दिशा की ओर हो, अर्थात आप जब खड़े हों तब आपका मुख पूरब की तरफ हो और वो खुले तो पश्चिम की तरफ खुले, तो उसमें हमेशा धन बना रहता है। तो अलमारी का मुख भी पश्चिम की तरफ होना चाहिए, तिजोरी का मुख भी पश्चिम की तरफ हो, यदि अलमारी आपकी दक्षिण दिशा की तरफ रखी हो तो आप वहाँ से हटा के उसको उत्तर दिशा की तरफ रखें, लेकिन अंदर तिजोरी का मुख इस प्रकार से हो कि वो या तो वो उत्तर की तरफ खुले या पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ खुले, तो आपका तिजोरी हमेशा पश्चिम की तरफ रहे, और वहाँ पर कुबेर का सुंदर सा यंत्र बना लें, कुबेर का आप बहुत छोटा सा मंत्र लिख लें, ओम कुबेराय नमः, तो आप साधारण मंत्र भी लिखेंगे उससे भी कुबेर प्रसन्न होते हैं। तो कुबेर और लक्ष्मी की जो फोटो ऐसी सम्मिलित चित्र, उसको आप अपनी तिजोरी के पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ अवश्य होगा। पंडित जी, आपने बहुत साधारण तरीके से कुबेर को प्रसन्न करने के उपाय हमारे दर्शकों को बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम अपने चैनल में आपके लिए हर बार एक नया प्रयोग करेंगे, हर बार देवता को खुश करने के लिए कैसे करें पूजन, उसके लिए पंडित अरविंद तिवारी के साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।